अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्यादि में आप सभी का खैर मकदम। पिछले 60 सालों से इसराइल फलस्तीन पर जुल्म ढा रहा। आज फलस्तीन के साथ सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, जितने भी अपने आप को इंसानियत के पैरोकार समझते हैं, उन्हें उन मजलूमों के हक में खड़ा होने का वक्त आया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत के कुछ लोग इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे। सुबह से शाम तक फलस्तीन इसराइल जंग की खबरें मीडिया में चलाकर आने वाले चुनाव के लिए माहौल बना रहे। मुल्क में इस जंग के आड़ में हिंदू मुस्लिम करने की घटिया साजिश रची जा रही है। वहां फलस्तीनी मासूम बच्चों के लाशें जेसीबी के जरिए दफन किए जा रहे। लाशों की बुनियाद पर सियासी तख्त पर बैठने की सोच रखने वालों पर क्या कहा जा सकता है। हकीकत भले कुछ भी हो, वैसे तो हमास और इसराइल की जंग कहते हुए मजलूम मुसलमानों को भी हमास दहशतगर्दी की आड़ में इनके कत्लेआम को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। जब हमास नहीं था तब तो हमले बेगुनाह फलस्तीनियों पर किए जा रहे थे, क्योंकि 1987 में हमास का वजूद अमल में, उसका क्या महज फलस्तीनी मुसलमान है। इसलिए सुबह शाम इसकी खबरों को भारत में चलाकर यहाँ के माहौल को आलूदा करने की कोशिश की जा रही है। इसे भी बदकिस्मती कह सकते हैं। लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने की बात करता हो, कब्रस्तान शमशान की बात करता हो, बिजली रमजान में तो दिवाली में क्यों नहीं जैसे सवाल पर आवाम की ज़हनियत के जरिए नफरती एजेंडा चलाता हो, तो इस ज़हनियत से उम्मीद भी बेकार हो जाती है। बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में नफरत परोसने की कोशिश जारी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी तक फलस्तीन की हिमायत में भारत रहा, लेकिन अब सिर्फ इसराइल के साथ इसलिए खड़े होने का फैसला लिया जाता है ताकि भारत की अक्सरियत हिंदुओं को अपनी तरफ माइल किया जाए। जबकि आज भी जो भारत से पत्रकार वहां अपनी टिकट से जाकर गंध फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या वहां हैसियत है यह खुद जानते हैं। बेवजह चीख चीख कर रिपोर्टिंग करने वाले को कैसे इसराइली फौजी ने खामोश रहने को कहा, सभी ने ये वीडियो देखा है। और वहां कोई फील्ड पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, ये भी सच्चाई है, बल्कि वहां किसी होटल में जाकर रिपोर्टिंग करने की बात सामने आ रही। यहाँ पर भी बेवजह चीखते चिल्लाते चाटुकार पत्रकार स्टूडियो में उछल कूद करते देखे जा रहे। खैर, इन सब के दरमियान अहम सवाल जो उठता है वो है भारत के मुसलमानों का, क्योंकि आज भी किसी तरह का एहसास यहाँ के आवाम में देखने को नहीं मिलता। आज भी हमास फलस्तीन मुसलमानों का मसला कौन सा पूछने वाले लोग बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। जब फलस्तीन में हजारों बच्चों की लाशें उनके माँ बाप अपनी गोद में उठाए इज्तमाही कब्रों के हवाले कर रहे हैं, कितनी बेटियों के जनाजे वो बाप उठा रहे जिनकी डोलियां घर सकती थी। नन्हे नन्हे बच्चे तक जालिम इसराइल अपने बेरहम तोपों बमों और मिसाइलों से निशाने पर ले रहा है। यकीनन काफी इल्मी माहिरीन ने इसे दज्जाल की आमद से लेकर मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक बता रहे हैं। अपने नौजवान बच्चों की मौत अपनी आंखों के सामने हो रही है, जिसमें कि चीतलों को बाप खुद समेट रहा है और दुआ कर रहा है, या अल्लाह बेटे की कुर्बानी को कबूल कर। खैर, इसराइल फलस्तीन को लेकर हिंद की सरजमीन पर तशद्दुद बरपा करने के मंसूबे भी तेज हो चुके हैं। आरएसएस कभी जंग आजादी का हिस्सा नहीं रहा और ना ही किसी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने की तहरीक में हिस्सेदार रहा, बल्कि ये तो उनकी मुखबिरी करते रहे और अंग्रेजों ने भी इन्हें इसकी अच्छी कीमत भी दी। लिहाजा इसराइल को फलस्तीन मुल्क में बसाने के पीछे यही अंग्रेज थे, ब्रिटेन और अमरीका, और यही वजह है जो आज संघी विचारधारा के लोग इसी इसराइली की हिमायत में खड़े नजर आ रहे हैं। खैर, भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या महज मस्जिदों में दुआओं का एहतमाम ही काफी है? कई मस्जिदों में तो दुआओं का एहतमाम करने पर भी गुरेज किया गया। फलस्तीन की अपनी अलग अहमियत है और आज भी दुनिया के आला तरीन मुसलमानों में इनका शुमार किया जाता है, पर भारत के मुसलमानों की कैफियत कब सुधरेगी ये भी मसला उसी तरह से आज भी कायम। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की हालत क्या है सभी जानते हैं। अगर भारत के मुसलमानों पर हालात आने से क्या इस आजमाइश पर खड़े उतर सकते हैं? जिस दिशा में मुल्क के हालात बदल रहे हैं, डर लगता है कि भारत के मुसलमानों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हमारा मामला ही अलग है। इतने सारे वाकियात हादसे होने के बावजूद भारत का मुसलमान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, आज भी उसी पुराने अख्तलाफी ज़हनियत का मरीज दिखाई दे। ये बात इसलिए करना लाजिम हो जाता है क्योंकि ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में कुछ भी हो जाता है तो उसी को बहाना बनाकर भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हमास ने इसराइल अवाम से फरार किया कहते हुए क्या आप हमास के साथ हैं? फिर एक मजहब की बात करते हुए भारत के मुसलमानों को कड़कड़े में खड़ा किया जाता है ताकि किसी तरह से मुस्लिम समाज को बदनाम कर अक्सरियत हिंदुओं को उनके मुखालिफ खड़ा किया जाए, ताकि 2024 के चुनाव को हिंदू बना मुसलमान किया जा सके। कांग्रेस अगर फलस्तीन के साथ खड़ी होती है या दीगर सेक्युलर ताकतें सिवाय भाजपा के फलस्तीन के मजलूमों के साथ हमदर्दी भी दिखाती है, तो ये नफरती चिंटू कहते हैं देखो कैसे हमास जैसे दहशतगर्द सोच के साथ खड़ा है,
या फिर 20% मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए सेक्युलर पार्टियां हमास फलस्तीन के साथ खड़े हैं। दरअसल ये नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है इसे भी समझने की जरूरत है। 80% हिंदुओं के वोट हासिल करने के बजाय कौन सी पार्टी हो सकती है जो 20% मुसलमानों के वोट लेने की जरूरत कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने तो बजरंगदल पर पाबंदी लगाने के बाद कहते हुए जीत दर्ज की थी। दरअसल भाजपा संघ को समझना चाहिए कि हिंदू ही तुम्हारे खिलाफ वोट कर रहा है, तभी तो आने वाले 5 रियासतों में भाजपा हारती नजर आती है। अब इसी हाल से बौखला कर फलस्तीन हमास के जरिए भाजपा संघ मुस्लिम विरोधी माहौल भारत में बनाना चाहते हैं। और यह भी मुमकिन है कि हिंदू मुस्लिम फसादात को बर्पा कर हमास से भारत के मुसलमानों को जोड़ सकती है। और अब तक यही होता आया कि चुनाव के नजदीक अलकायदा भी हमला कर सकती है कि कहानियां गोदी मीडिया भर भर के पेश करने लगती है। सुर्खियां तो इसके बगैर कुछ और रहती है, बात फिर से भारत के मुसलमानों पर ही करते हैं। आखिर कब तक यूं ही बेहिस और बेगैरती का मुजहरा यहाँ का मुसलमान करता रहेगा। दुनिया में भारत ही का मुसलमान एक ऐसा है जिसे आज भी आपसे इख्तलाफात या फिर सामाजिक खिदमत का बुखार चढ़ा हुआ है। यकीनन सामाजिक खिदमत जरूरी है, पर सभी के सभी मुसलमान या तो मेडिकल कैंप, सोशल वर्क, तलाक खुला के बयान मेंबर से किए जाते हैं, और इसलिए खुराफात में काम का तकरीबन तबका मुलविस है। दिन के खातिर जद्दोजहद मुसलमानों में इत्तेहाद आपसी मोहब्बत भाईचारे पर सिर्फ आवामी इजलास में बातें की जाती है, पर जैसे ही स्टेज से मौलवी उतरता है अपनी जमात को सही साबित करने में लग जाता है। अब तो ये हज उमरा का सैलाब उमड़ा पड़ा है। जिस बैतुल मक़दिस को आजाद किया था उस सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ना तो कभी हज किया और ना ही उमरा किया, पर अल्लाह ने वो तारीखी काम लिया जो गैर मामूली था। मुस्तकिल 12 साल बैतुल मक़दिस की आजादी के लिए सर्बियों से 7 जंगें लड़ी और फिर फलस्तीन की सरजमीन पर इस्लामी परचम लहराया और मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। आज के मुसलमानों की तरह बार बार अल्लाह बुला रहा है कहकर कभी हरमैन शरीफ नहीं गए, जबकि मक्का मदीना बहुत दूर नहीं था जितना भारत के मुसलमानों के लिए। लेकिन जब दीन की अजमत उसकी मोहब्बत और अपने जीने का मकसद अंदर पैवस्त कर लेता है तो दुनिया उसे सलाउद्दीन अय्यूबी कहने लगती है। अल्लामा इकबाल ने कहा कहारी व गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। फलस्तीन इसराइल जंग आलमी जंग की शक्ल तैयार कर सकती है। जरूरत है हमारे माशरे मोहल्ले गली चौराहे पर इत्तेहाद के परचम को बुलंद करे, सोच को तवील करे। छोटी सोच और मुफाद परस्ती कौम को तबाह कर देती है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने से मैंने अपने दीन की खातिर या अपने मोमिन भाइयों की खातिर क्या किया, इस पर खुद अपना हिसाब ले और सोचे। नौजवान नस्ल जिनके हाथों में मुस्तकबिल है, बेतरतीब जिंदगी, बेहयाई, फहश, फरियानियत, खेलकूद, जुआ शराब, दुनिया की मोहब्बत से थोड़ा हटकर अल्लाह उसके रसूल की दीन की तरफ पलटे। महज जुमा में रस्मी नमाज अदा करने से अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा कि दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पे हो तो क्या कोई ऐसा सजदा भी करके जमीन पे नहीं जाए। वैसे तो एक बड़ा तबका सिर्फ मस्जिद तामीर करने के चंदे में ही मुलविस देखा जाता है और मस्जिदें तामीर हो भी रही है, लेकिन उन मस्जिदों की हिफाजत वक्त आने पर करने वाले जियाले समाज में पैदा नहीं हो पाए। हमारी सोच ऐसी है, ऐसा इस्लाम चाहिए जहां दीन की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश न करना पड़े। आखिरी दर्जे में तो रो रो कर दुआ मांगना इसी को इस्लाम और इस्लाम के दीन की जिम्मेदारी हमने समझ रखी है। मस्जिद तामीर होनी चाहिए, हो रही है, पर आज भी कई जगहों पर कागजात दुरुस्त नहीं रहते। जब मस्जिद तामीर हो जाती है तो नमाजी नहीं रहते। मस्जिद तो बनानी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, पर मन अपना पुराना पापी बरसों से नमाजी न बन सका। आज भी मोहल्ले में मस्जिदें कई है और अपने अपने मसलक की है, ये भी उतना ही अहम है, लेकिन नमाजियों के लिए वीरान है। कुछ लोग हैं जो अपनी नमाजों पर भी मुतमैन हैं, तो कुछ अपने लिबास चेहरे पर फख्र करते हैं। जमात, मौलाना, इदारे, तंजीम सभी अलग अलग दुनिया में, पर दुश्मन ने एक ही नजर से देख रहा है और जब भी मौका मिलता है वो जरूर हमलावर होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान हूं, इसलिए नमाज। खैर मौजूदा दौर के नौजवान नस्ल को पेश आना होगा, दिल को वसी कर करके तैयबा की बुनियाद पर एक दूसरे को जोड़ना होगा। अगर कोई फर्जी मौलवी मुसलमानों में इंतशार की बात कर रहा है तो उसकी निशानदेही कर उसे मेंबर से उतारना होगा, भले ही कितना ही इल्म वाला क्यों ना हो, क्योंकि अब उम्मत को इत्तेहाद ही जोड़ सकता। और मेरे नबी ने फरमाया कि जो उम्मत में तफरका पैदा करता है वो हम में से नहीं है। लिहाजा फलस्तीन इसराइल जंग को आसान न समझा जाए, सिर्फ फलस्तीन के व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया पर सरगर्म होने से तब्दीलियां रोनुमा नहीं होती। आजकल तो वो भी लगाने से डरने वाले मुसलमान हमारे दरमियान पाए जाते हैं। जरूरत है फिर से अल्लाह की तरफ पलटने की, नबी की मोहब्बत को सही मायने में सीनों में पैवस्त करने की, जहां से
313 चले थे, तुम मुसलमानों उन्हीं माजी की राहों में पलट जाने का वक्त आया। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।